नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत चले गए, उनकी असमय मौत हो गई। उन्होंने मौत को खुद गले लगाया, लेकिन उसके पीछे की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो अंधेरा है बॉलीवुड का, वो गौर करने लायक है। किस तरीके का आप फिल्मों में देखते हैं दांव पेच, ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह, वो सब वास्तविक जीवन में होता है। किसके लिए? एक दूसरे से फिल्म छीनने के लिए, बाहर से आए लड़के लड़कियों को काम न दिलाने के लिए या न मिलने के लिए, और जो अंदर भी हैं, जो बड़ी मछलियां हैं उससे थोड़ी जो छोटी मछलियां हैं उनमें भी लड़ाई चलती रहती है, और इतने सारे दांव पे चले जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कई लोग अब सामने निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि कंगना रनौत ने बगावत की, उन्होंने बहुत पहले बगावत कर दी थी, उसके बाद बबीता फोगाट ने बोला था, और अब जो है अभिनव कश्यप आए हैं। अभिनव कश्यप वो शख्स है, निर्देशक, जो अनुराग कश्यप के भाई हैं, और इन्होंने ही दबंग को डायरेक्ट किया था। वहीं से इनकी सलमान खान परिवार से झगड़ा शुरू होता है कि किस तरीके से अरबाज खान और सुहेल खान पूरे इन पे हावी हो करके सीट पे रहते थे और चाहते थे कि जैसा वो कहें वैसा ये करें। नतीजा ये हुआ कि जब सलीम खान का जो परिवार है, जो उनके बेटे हो गए सलमान, अरबाज और सुहेल वगैरह वगैरह से, इनकी जो है पूरी एक तरह से लड़ाई ऐसी छिड़ जाती है कि वो पर्सनल एनमाइटी में तब्दील हो जाती है। इनको जिस अभिनव कश्यप कह रहे हैं, इन्होंने दो पोस्ट लिखे हैं फेसबुक पे मी टू टाइप का, कि मी टू टाइप का ये अभियान बनना चाहिए, सुशांत ने कौन सी परिस्थितियाँ झेली ये सबके सामने आना चाहिए। इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि उन्होंने बाद में दबंग से अपने को बैकट्रैक कर लिया, और फिर जो है वो आस्था विनायक के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, दूसरा प्रोजेक्ट था, इसको अरबाज और सुहेल ने रुकवा दिया, इनके खिलाफ मैसेजबाजी चलने लगी, और वहाँ पे जो फिल्में बनाते हैं जो बड़े घराने हैं उनसे वो लोग डरते हैं, वो नहीं चाहते कि उनसे कोई पंगा ले। फिर ये इनकी एक विशर्म फिल्म आनी थी, उसको लेकर के भी दबाव बनाया गया। किसी तरीके से रिलायंस इंटरटेनमेंट के साथ मिल करके उन्होंने उस फिल्म को रिलीज करा लिया, लेकिन उसके खिलाफ अभिनव का कहना है, जो पोस्ट में लिखा है, कि खूब अभियान चलाया गया और अभी तक उनके जो है मैसेज दिया जाता है, धमकी दी जाती है, और उनका कहना है कि मैंने इसको लेकर के 2017 में पुलिस में कंप्लेंट की, बताया कि सलमान खान परिवार किस तरीके से उन्हें हरास कर रहा है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो आगे कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी का भी नाम ले रहे हैं सलीम खान, कि जो इनके पास दो नंबर के धंधे पैसे हैं, जो इनका जो है अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं, पॉलिटिकल इनका अपना एक क्लाउट है, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं और दबाते हैं, जो चाहते हैं कि जो हम कहें वही होगा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा पोस्ट डाला, दूसरा पोस्ट ये डाला है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उसमें कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, कुछ फेक भी हो सकते हैं, मुझे तरीके से बताया जा रहा है, मेरे बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने को पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं ये संघर्ष करता रहूंगा और सुशांत की तरह सुसाइड भी नहीं करूंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले वार हुआ करण जौहर पे, वार किया बबीता फोगाट ने, क्योंकि करण जौहर का अपना एक वहां पे गैंग नुमा बना हुआ है। इसके बाद सलमान खान परिवार पे सीधे सीधे अभिनव कश्यप ने वार किया कि किस तरीके से ये लोग वहां बॉलीवुड को चलाते हैं। तो ये जो दो वहाँ पे मजबूत पिलर हैं एक तरह से, उन पे वार हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, अभी नाम लेकर के कोई सामने नहीं आ रहा। इसी क्रम में रवीना टंडन भी सामने आई है। रवीना टंडन का कहना है कि मैं इस बॉलीवुड की फैमिली से हूँ, कि इस तरीके से मीन गर्ल जो गैंग है वो कैसे रोल छिनवाता है, कैसे बाहर के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, अंदर के लोगों को भी संघर्ष करना पड़ता है, और मैं इसे पीछे नहीं हटूंगी। रवीना टंडन पहले भी नेपोटिज्म पे बोल चुकी हैं। तो इस तरीके से अंदर बॉलीवुड में ना एक तरह से कोलाहल है, लेकिन होता क्या है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, घटना होने के बाद दो चार दिन तक कोलाहल होता है, लोग सामने आते हैं, और फिर जो है धीरे धीरे पूरा मामला शांत पड़ जाता है। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो अनिल देशमुख है, कह रहे हैं कि इस एंगल को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो बिजनेस राइवलरी है वो एंगल तो इसमें नहीं है। बाद में पता चलता है कि पुलिस ने सिर्फ सुसाइड साबित करके छोड़ दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। इसलिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा,
तब तक बाहर से जो भी लड़के लड़कियां वहां पे जाएंगे बॉलीवुड में छोटे शहरों से, उनके सपने साकार नहीं होने दिए जाएंगे, क्योंकि चंद लोगों ने वहां पे मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये है बॉलीवुड की हकीकत, और अब इसी को लेकर के जंग छिड़ रही है, इसी को लेकर के कोलाहल है और आह्वान किया जा रहा है। बाकायदे इसमें अभिनव कश्यप ने भी आह्वान किया है, हमारे पोस्ट को शेयर कीजिए, मैं खान परिवार के से जो लड़ाई है उसमें पीछे नहीं हटूंगा। विवेक ओबरा सुरेश ओबरा के बेटे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ही वो भी हैं, बट उन्होंने भी दर्द बयां किया है कि जिस समय सुशांत की चिता जल रही थी, उसके पिता जो है मुखाग्नि दे रहे थे, वो सीन देखने वाला था, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी बहन जिस तरीके से रो रही थी, क्या वो मरा है कि मारा गया है? परिस्थितियां बनाई गई, कोई जरूरी है कि सीधे गोली मार दिया जाए या जहर दे दिया जाए, परिस्थितियां बनाई गई है। सोचने की बात है, सुशांत सिंह राजपूत चले गए और कोई सुशांत सिंह राजपूत न बने। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।